There was a sage in northern part of Karnataka. कर्नाटक के उत्तरी भाग में एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्हें आज वीर शैव समुदाय के आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। उनका नाम अल्लमा प्रभु था। एक योगी अल्लमा की तलाश में आए क्योंकि उन्होंने अल्लमा के बहुत चर्चे सुने थे। वो उनके साथ मुकाबला करना चाहते थे। ये योगी जो उनसे मिलने आए, उनकी उम्र लगभग 200 साल थी। बहुत जबरदस्त योग का अभ्यास करके शरीर के तत्वों पर महारत हासिल करते हुए उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि उन्होंने उम्र को मात दे दी, और इस बात का उन्हें बहुत गर्व था। जिन लोगों को वो जानते थे वो सभी मर चुके थे, लेकिन वो जीवित थे और एक जवान आदमी की तरह मजबूत थे। उनका शरीर चट्टान की तरह था। तो वो अल्लमा के पास आए। वो एक नदी के किनारे पर मिले और उन्होंने अल्लमा से कहा, देखो मैं ही असली योगी हूं, अगर तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो अपनी तलवार लेकर मेरे सिर पर मारो और देखो क्या होता है। अल्लमा ने कहा ठीक है, और अपनी तलवार ली और उनके सिर पर दे मारी। तलवार ऐसे वापस उछली जैसे किसी चट्टान से टकराई हो। तो योगी ने कहा, यही मेरी ताकत है, कोई तलवार मेरे शरीर को काट नहीं सकती, मैं वास्तव में अमर हूं। फिर उसने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? अल्लमा हंसे और बोले, आप भी अपनी तलवार से वार करो। योगी को संकोच हुआ क्योंकि अल्लमा चट्टान की तरह मजबूत नहीं दिख रहे थे, वो सामान्य दिख रहे थे। अल्लमा बोले, तलवार उठाओ, घबराओ मत। तो उन्होंने तलवार उठाई और पूरी ताकत से उनके सिर पर वार किया। तलवार उनके शरीर से सीधे ऐसे निकल गई जैसे हवा से होकर गुजरी हो। योगी का वार जमीन से टकराया और योगी संतुलन खोकर नीचे गिर गया। उसने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये या वो नहीं है, ये शिव है। ये नहीं है और वो भी नहीं है। If it is this or that, अगर ये हो या फिर वो हो तो इसमें कुछ गुण होंगे, ना तो ये है और ना ही ये वो है। ये शिव है, ये वो है जो है ही नहीं।